हेलो एवरीवन वेलकम टू लेक्चर नंबर सेकंड ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड वन बेसिक क्वेश्चन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग एंड वी हैव आल्सो सीन द बेसिक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग विद द फॉर्मुलाज व्हिच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन तो दिस इज द लेक्चर नंबर सेकेंड इस लेक्चर में हम एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और वो एक टाइप के क्वेश्चन से मैं आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी देने वाला हूँ तो जैसे ही ये वीडियो आपका देख के हो जाए इस पी को डाउनलोड कर ले एंड जो इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं वो प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने बेस पे सॉल्व करके उसको ट्राई करें बिकॉज अगर आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे जितने क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए है तो ये जो टाइप है मार्जिनल कॉस्टिंग की जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं वो आपका क्लियर हो जाएगी जब आप इसको पर्सनली सॉल्व करोगे तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो टाइप है आज हम डिस्कस करने वाले हैं दिस टाइप इज कॉल्ड एज वेन टू ईयर्स आर गिवन और टू पीरियड्स आर गिवन जब आपके क्वेश्चन में दो पीरियड्स रहेंगे दो ईयर रहेंगे देखो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं देन वी कैन मूव फर्दर द सेल्स टर्न ओवर ऑफ मेस अमर लिमिटेड ड्यूरिंग द टू ईयर टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी वेर एस फॉलोज वी हैव द ईयर वी हैव सेल्स कॉलम एंड वी हैव प्रॉफिट कॉलम इफ यू चेक वी हैव टू थाउजेंड नाइनटीन एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी तो 2019 में आपका सेल्स था फोर लैख फिफ्टी और आपका 2020 में सेल्स है फाइव लैख टेन सिमिलरली आपका प्रॉफिट है सिक्सटी थाउजेंड और सेकेंड ईयर में आपका प्रॉफिट है सेवेंटी फाइव थाउजेंड तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो वी हैव टू ईयर्स गिवन विच आर द टू ईयर्स गिवन इन दिस क्वेश्चन टू एंड टू ये दो साल आपको पेपर में भी दिए रहेंगे अगर आपको पेपर में दो साल दिए हुए उस टाइप का क्वेश्चन आया तो ये ये वैरायटी का क्वेश्चन रहेगा या फिर कभी कभी ईयर्स नहीं दिया जाते कभी कभी टू पीरियड्स दिए जाते हैं तो टू पीरियड्स दिए रहेंगे तो भी अपना कंसेप्ट तो सेम है द कंसेप्ट रिमेन सेम तो सेल्स दो ईयर का है प्रॉफिट दो ईयर का है एंड वी हैव टू कैलकुलेट दिस मेनी पॉइंट्स फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो विच इज कॉल्ड एज द पी तो यहाँ पे पी वी आर सॉल्व करना है फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स रिक्वायर्ड टू तो वन प्रॉफिट ऑफ वन लैख ट्वेंटी प्रॉफिट मेड वेन सेल्स हर रुपीज से और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हम, हमको सॉल्व करने हैं एक एक करके सीखेंगे देखो इस वैरायटी में एक दूसरी बात कभी कभी आपको पूछ सकते हैं तो ध्यान रखना यहाँ पे सेल्स दिया है और यहाँ पे कॉलम दिया है प्रॉफिट का तो यूजुअली दे आर डूइंग व्हाट दे आर गिविंग यू सेल्स का एक कॉलम एंड देआर गिविंग यू टोटल कॉस्ट का एक कॉलम अगर आपको कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह पर टोटल कॉस्ट का कॉलम आया तो कन्फ्यूज मत हो जाना सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपको फिर बैलेंस आएगा प्रॉफिट जैसे मैंने फोर लैख फिफ्टी यहाँ पे दिया यहाँ पर सिक्सटी दिया है तो अगर हम ये सेल्स का कॉलम में से प्रॉफिट uh, के कॉलम को माइनस करते हैं तो भी टोटल कॉस्ट आएगा या सेल्स में से कभी कभी पेपर में टोटल कॉस्ट दे के रखते हैं तो सेल्स में से जैसे ही आप टोटल कॉस्ट को माइनस करते हो तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ध्यान रखना है सबसे पहले ये पॉइंट आपको क्वेश्चन में देखना है वेदर द क्वेश्चन है सेल्स एंड प्रॉफिट और वेदर द क्वेश्चन इज हैविंग सेल्स एंड टोटल कॉस्ट इफ टोटल कॉस्ट इज गिवन सेल्स में से आपको टोटल कॉस्ट माइनस करना है यू विल गेट द आंसर प्रॉफिट देन वी कैन मूव फर्दर और इस टाइम में आपको ये याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में कि इस टाइप के क्वेश्चन में पिक्स कॉस्ट जो रहेगा वो मिसिंग रहेगा फिक्स कॉस्ट आपके क्वेश्चन में कभी भी दिया नहीं जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना है तो वो आपको ध्यान रखना है चलो तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पी देखो अभी पी जब दो ईयर्स का इंफॉर्मेशन रहेगा तो आपको फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है पी का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स ये आपको ध्यान रखना है अब ये क्या है चेंज इन प्रॉफिट और चेंज इन सेल्स का मतलब यहां पर आप सेल्स जो है दो ईयरस का इन दोनों ईयर्स का आपको डिफरेंस लेना है और ये दोनों ईयर्स के प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है तो सबसे पहले अगर हम प्रॉफिट की बात करें सिक्सटी और सेवनटी फाइव थाउजेंड इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका डिफरेंस आएगा फिफ्टीन थाउजेंड फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड और फाइव लैख टेन थाउजेंड इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा इनका डिफरेंस हो जाएगा सिक्सटी थाउजेंड ठीक है तो चेंज इन प्रॉफिट कितना फिफ्टीन थाउजेंड चेंज इन सेल्स कितना सिक्सटी थाउजेंड तो हमें करना क्या है सेल्स का डिफरेंस लेना है प्रॉफिट का डिफरेंस लेना है चलो अभी इसको सब्सटीट्यूट करते हैं यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट कितना देखा हमने चेंज इन प्रॉफिट फिफ्टीन थाउजेंड चेंज इन सेल्स चेंज इन सेल्स कितना था हमारा सिक्सटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड तो फिफ्टीन थाउजेंड डिवाइडेड बाय सिक्सटी थाउजेंड इंटू हंड्रेड करोगे तो आपको पी वी आर का आंसर आ जाएगा एंड पी वी आर कम्स इन दिस क्वेश्चन एज ट्वेंटी फाइव परसेंट तो पी वी आर आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट आ चुका है आई होप कि आपको पीवीआर का क्वेश्चन क्लियर हुआ है इस क्वेश्चन से पॉइंट नंबर वन इस पीवीआर अगर आपका पीवीआर सही है तो आगे के पॉइंट सही है अभी हमको फिक्स कॉस्ट ढूंढना है देखो फिक्स कॉस्ट ढूंढने का एक फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट इक्वल टू फॉर्मूला है सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस प्रॉफिट क्या फार्मूला है सेल्स इनटू पीवीआर माइनस प्रॉफिट अभी क्वेश्चन ध्यान से देखो क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन में सेल्स डबल डबल दिया है और प्रॉफिट भी डबल डबल दिया है तो हम कोई भी ईयर का ले सकते हैं दोनों केस में आंसर सेम आएगा हम फर्स्ट ईयर का लेते हैं फोर लैख फिफ्टी और सिक्सटी थाउजेंड का प्रॉफिट है तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड पी वी आर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट माइनस आपका प्रॉफिट कितना सिक्सटी थाउजेंड तो इसको अभी सोल्व करना है आपको फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट तो दैट वैल्यूल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड इस वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से सिक्सटी थाउजेंड को माइनस कर दो माइनस सिक्सटी थाउजेंड अगर आप करोगे तो आपको फिक्स कॉस्ट की वैल्यू मिल जाएगी दैट विल बी फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड तो फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड आपके फिक्स कॉस्ट की वैल्यू है ये मैंने फर्स्ट ईयर का लेके सॉल्व किया अगर आप सेकेंड ईयर का भी लेके सॉल्व करोगे तो भी फिक्स कॉस्ट यही आएगी फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है इसलिए फर्स्ट ईयर का फिक्स कॉस्ट और सेकेंड ईयर का फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा बट वन पॉइंट यू टू रिमेंबर वाइल सॉल्विंग अगर आप फर्स्ट ईयर का सेल लोगे तो फर्स्ट ईयर का ही प्रॉफिट लेना अगर आप फर्स्ट ईयर का सेल और सेकेंड ईयर का प्रॉफिट लोगे तो आंसर गलत आ जाएगा तो ध्यान रखना है आपको फिक्स कॉस्ट हमारा हो चुका है फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड अगले पॉइंट में जाते हैं ब्रेक वन पॉइंट रुपीज में कैलकुलेट करना है बीई पी यहाँ पे यूनिट्स में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या है फॉर्मूला फॉर्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी तो फिक्स कॉस्ट कितना ढूंढा अभी हमने फिक्स कॉस्ट ढूंढा फिफ्टी 50 टू फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई पी वी आर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट तो फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड को अगर आप ट्वेंटी फाइव परसेंट से डिवाइड करोगे तो विल गेट एन आंसर एज रुपीज टू लैक्स टेन थाउजेंड तो टू लैक्स टेन थाउजेंड इज द वैल्यू ऑफ योर बी पी नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्स रिक्वायर्ड टू अ प्रॉफिट ऑफ वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड तो रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला लिखना है क्या है रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पी तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना ढूंढा था हमने फिक्स कॉस्ट ढूंढा था फिफ्टी 50 टू फाइव हंड्रेड प्रॉफिट ध्यान रखना ये प्रॉफिट में आप लोग गलती करते हो क्वेश्चन से प्रॉफिट लेते हो यहाँ पे कौन सा प्रॉफिट लेना है यहाँ पे जो दिया है दैट इज वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड डिवाइडेड बाय टीवीआर कितना परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट तो अगर आप इसको प्लस करके डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर इन रूपीज दैट विल बी सिक्स लैक्स नाइन्टी थाउजेंड सिक्स लैख नाइंटी इज योअर रिक्वायर्ड सेल्स लेट अस मूव फर्दर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट व्हेन सेल्स आर रुपीज सेवन लैख फिफ्टी अभी ढूंढना है प्रॉफिट तो जो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है वही है प्रॉफिट इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवीआर माइनस फिक्स कॉस्ट ध्यान रखना यहाँ पे भी सेल्स कौन सा लेना है यहाँ पे यही सेल लेना है जो दिया है सेवन लाख फिफ़्टी थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई योअर पी वी आर इज ट्वेंटी फाइव परसेंट माइनस फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड अभी इसको सॉल्व करेंगे हम सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड का ट्वेंटी फाइव परसेंट पहले कैलकुलेट करेंगे तो द वैल्यू विल बी वन लाख एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस करेंगे इसमें से फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो वन लैख एटी सेवन में से फिफ्टी टू माइनस करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा दैट वैल्यू विल बी 1 लैख थर्टी फाइव ये आ गया प्रॉफिट रुपीज में रुपीज वन लैख थर्टी फाइव अभी लास्ट पॉइंट पूछा है एम इन 2020 थाउजेंड का मतलब होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन 2020 तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दो फॉर्मूलाज है लेकिन हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करते हैं वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर अभी 2020 में क्या प्रॉफिट है पहले वो चेक कर लेंगे तो 2020 में कितना प्रॉफिट है 2020 में 75,000 का प्रॉफिट है तो सब्सटीट्यूट करेंगे अभी प्रॉफिट कितना 2020 का 75,000 सेवेंटी फाइव थाउजेंड को आपको डिवाइड करना है पीवीआर से ट्वेंटी फाइव परसेंट से आपको डिवाइड करना सेवेंटी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव परसेंट तो वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू आएगी रुपीज थ्री लैक्स तो रुपीज थ्री लैक्स इज द वैल्यू ऑफ एमओस तो दैट्स इट ये थे आपके क्वेश्चन नंबर वन के बेसिक्स जो आपको मैंने कैलकुलेट करके बताया है जिसमें से आपको टू ईयर्स अगर दिए हैं या टू पीरियड्स अगर दिए हैं तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं दीज आर द क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होमवर्क मिलेंगे क्वेश्चन नंबर टू थ्री फोर और क्वेश्चन नंबर फाइव इन सभी को प्रॉपरली सॉल्व करें कोई भी क्वेरीज आती है मुझे चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हो उसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा तो दैट विल बी द बेसिक पॉइंट ये था अपना सेकेंड लेवल दैट इज दी वन टू ईयर्स आर गिवन फिर धीरे धीरे हम आगे के लेवल्स को भी सॉल्व करेंगे थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे बाय बाय टेक केयर